नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि NIT में MCA का कितना का पैकेज लगता है और हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज कितना जाता है। तो NIMSET के थ्रू अगर आप NIT में एडमिशन लेते हैं जिसमें टॉप पे NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, NIT कलिकत, NIT इलाहाबाद, अगर इन इंस्टीट्यूशन में अगर आपका दाखिला हो जाता है तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज लगता है तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप पर, क्योंकि कंपनी आप में ये देखती है कि आप में कितनी क्वालिटी है और उसको कितना फ़ायदा होगा, ये दो चीज़ वो देखती है। और इसके लिए आपका कोडिंग स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलने वाला है आपको NIT में। कंपनी की कोई भी किल्लत नहीं होती है NIT में, कंपनी इतना आती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी कंपनी भी टाइम टू टाइम आती रहती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओरेकल हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, गोल्डमैन सैच हो गया, तो अच्छी अच्छी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आपको टाइम टू टाइम आती रहती हैं, चाहे वो IIT हो या फिर NIT हो। क्योंकि जो भी कंपनी होती है वो सबसे पहले IIT, NIT, IIIT को ही फोकस करती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप NIMSET के थ्रू NIT में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा कल्चर होता है कि आप उसमें अपना कोडिंग स्किल आराम से डेवलप कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक NIT में कोडिंग क्लब होता है और उस कोडिंग क्लब का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, और इसके साथ साथ जो भी सीनियर हैं जो MTech कर रहे होते हैं या फिर आपके भी सीनियर, वो टाइम टू टाइम क्लास लेते हैं और वो आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट आपको किस वे में पढ़ना है। उसके बाद में प्लेसमेंट का जो पूरा का पूरा खेल है वो आपके डाटा स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं वो पूरा का पूरा बेस होता है आपके डाटा पे ही। अब उस डाटा को किस तरीके से जल्दी से फेच करें हम लोग, किस तरीके से उसको ऐसा मॉडिफाई करें कि उसमें टाइम कम लगे, तो पूरा का पूरा जो मेन पिलर होता है वो आपके डाटा स्ट्रक्चर्स पे जाता है। डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी जो पकड़ होनी चाहिए एक लैंग्वेज पे होनी चाहिए, उस लैंग्वेज के थ्रू आप कोड लिखते हैं, और कोड लिखने के बाद में जो पहला राउंड होता है किसी भी कंपनी का, उसे आप आसानी से क्रैक कर लेते हैं। क्रैक कर लेने के बाद में आपका इंटरव्यू राउंड होता है, और इंटरव्यू राउंड होने के बाद में आपको एक ईमेल आता है कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ, तो हुआ है, ठीक है। हर एक NIT में आपका प्लेसमेंट सेल होता है, वहाँ पे आपको अपना ईमेल रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद में जो भी कंपनियाँ आती हैं, अगर उसमें उनका ऑप्शन है कि मैं MCA कैंडिडेट को भी हायर करने वाला हूँ, तो उसके साथ आप उसके कोडिंग राउंड में बैठते हैं, और कोडिंग राउंड जो होता है वो आपके ही कॉलेज के लैब में होता है, और उसमें आपको क्रैक करना होता है, ठीक है। तो जिस तरीके का क्वेश्चंस आता है उस तरीके का क्वेश्चंस आपके 3 साल या फिर 1 साल में, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो सीनियर आपको गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से किसी भी कंपनी में कैसा क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के लिए सीनियर प्रेफर करते हैं कि हैकर अर्थ या फिर कोड शेप पर आप अपने अकाउंट बना करके वहाँ पे कोड की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद में उसके साथ साथ आपको डाटा स्ट्रक्चर्स की भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और काफ़ी एक अच्छा माहौल होता है। तो पूरा का पूरा जो खेल है पैकेज का, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। अगर आपका कोडिंग स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी अगर आपका डेवलप हो जाता है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके साथ साथ अगर मैं ये बात बोलूं कि एवरेज पैकेज कितना जाता है, तो एवरेज पैकेज आप मान के चलिए कि 8 से 9 लाख के बीच में एवरेज आता है, और हाईएस्ट का कोई भी लिमिट नहीं होता है। अगर आपका कोडिंग स्किल अच्छा है तो 30 भी क्रॉस कर जाता है, 40 भी क्रॉस कर जाता है, और कभी कभी अगर फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी अगर होती हैं तो वो करोड़ भी पार कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी आप में यही देखती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, और प्लस में आपका कोडिंग स्किल कैसा है। अगर ये दो चीज़ें अगर आप में अच्छा है तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो मैं ये आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि NIT या हो या फिर IIT हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कंपनी की अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं, और वो कंपनियाँ IIT या फिर NIT के कैंडिडेट को ही हायर करना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उनको इन सब ब्रांड पे ट्रस्ट होता है,
इनके स्टूडेंट पे ट्रस्ट होता है और इनका जो कल्चर होता है, या फिर वो आईआईटी का हो या फिर वो एनआईटी का हो, चाहे वो आप उसमें एमटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छी अच्छी कंपनी आपको टाइम टू टाइम आती रहती है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कोडिंग स्किल पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कोडिंग स्किल पे भी एक वीडियो बनाइए। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ हूँ, आप उसमें जा करके उसे आप फाइंड आउट करके उसको वॉच कर सकते हैं। और मेरा दूसरा भी चैनल है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा और उसको आप जा कर के वहाँ से आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो हर एक आईआईटी या फिर एनआईटी का एक ऐसा कल्चर होता है जिस कल्चर से आप अपना कोडिंग स्किल डेवलप कर पाते हैं। तो उसमें मेनली आपका ऑनलाइन वेबसाइट ही काम आती है, जैसे हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, कोड शेफ हो गया, ये इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उसी पर हम लोग के सीनियर प्रेफर करते हैं कि आप लोग कोडिंग की टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिए। उसके साथ साथ आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़िए, चाहे वो सी हो या फिर C++ हो या फिर जावा हो, और उसके साथ साथ आप डाटा स्ट्रक्चर की ऐसा कमांड रखिए ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है, तो जो भी कंपनियां आती हैं वो आराम से आपको हायर कर लेती हैं। बस आपको कम्युनिकेशन स्किल प्लस में आपके कोडिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कंपनियाँ बीटेक के लिए आती हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एमसीए को हायर नहीं करती हैं, लेकिन चूंकि हमारे सीनियर उस कंपनी में चले जाते हैं पहले से ही होते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट का जो एलुमनाई का बेस है वो इतना मजबूत होता है कि हर एक कंपनी में आपके कोई ना कोई सीनियर आपको मिल ही जाएंगे। तो जैसे ही वो कंपनियाँ किसी इंस्टीट्यूट में आती हैं, जैसे कि एनआईटी में आती हैं, तो वो उनके सीनियर जो हैं वो बोल देते हैं कि एक बार एमसीए को भी आप लोग टेस्ट करके देखें, एमसीए का भी जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ में और एक आपको बताना चाहता हूँ कि नेमसेट के थ्रू जो भी लड़के अब एनआईटी में जा रहे हैं उनका वाकई में लेवल काफ़ी अच्छा रह रहा है, वो बीटेक से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि एमसीए वाले में मैच्योरिटी की कोई कमी नहीं होती है, और प्लस में वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से डील करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो एमसीए का भी बेस धीरे धीरे एनआईटी में अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, और एमसीए भी अब अच्छा कर रहा है। ठीक है ना, कुछ समय के लिए लुप्त हो चुका था, लेकिन नेमसेट के कारण अब और इंटरनेट के कारण की इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों के पास में ये पहुँचता जा रहा है, उसकी वजह से काफ़ी एमसीए का भी लेवल हर एक एनआईटी में इंक्रीज़ हो रहा है, और एमसीए के लड़के काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप नेमसेट के थ्रू एनआईटी में आते हैं। तो आपको एक ऐसा कल्चर मिलेगा जिससे कि आपका कोडिंग स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, प्लस में आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा से डेवलप हो जाएगा। तो ये दो मैंने फैक्ट बता दिया कि पैकेज जो है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका कोडिंग स्किल अच्छा हो, अगर हो जाता है, और कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा हो जाता है, तो आप अच्छा से 30-40 के क्रॉस कर जाएंगे आप। ठीक है, और अच्छे अच्छे कंपनी में भी, जैसे अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अच्छे अच्छे कंपनी में भी आप प्लेस हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये टोटल बता दिया। मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस सब चीज़ के बारे में ना सोचें, एनआईटी में कंपनी की कोई कमी नहीं होती है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, चाहे आप पढ़ें आईआईटी में या फिर एनआईटी में, या फिर चाहे आप पढ़ें आप पढ़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, ये कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हैं तो अगर आपका कोडिंग स्किल अच्छा अगर हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और किसी भी मनचाहे कंपनी में आप प्लेस हो सकते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं, हमेशा न्यूज़पेपर में आते रहता है कि इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ लड़का का जॉब गूगल में हो गया, फेसबुक में हो गया। क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि उनका कोडिंग स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होता है, उनका लॉजिक काफ़ी अच्छा होता है, उनका किसी लैंग्वेज पर कमांड अच्छा होता है, उनको डाटा स्ट्रक्चर्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। इस तरीके से उनका प्लेस आपका गूगल और फेसबुक में हो जाता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनियां अब ये नहीं देखती हैं कि आप आईआईटी से हैं या फिर एनआईटी से हैं,
प्रेफर तो देती हैं कि मेरा पहला चॉइस होता है कि IIT या फिर NIT के स्टूडेंट को ही, क्योंकि उनका कल्चर जो ऐसा होता है, उनका माहौल ऐसा होता है जिसके जरिए वो लोग काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, ठीक है, और इसलिए एक ट्रस्ट होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी हैं, अगर आपका कोडिंग स्किल भी अच्छा है, तो कंपनी ये नहीं देखेगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आप में ये देखेगी कि आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं और उस कंपनी को कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कोडिंग स्किल्स के साथ साथ, ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल बता दिया है, और अगर आप कोडिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा हो जाता है, तो आप अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं, TCS में, विप्रो में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, गूगल में, गोल्डमैन सैच में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कोडिंग स्किल के लिए अगर मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे दूं, तो आप हैकर रैंक पर, हैकर अर्थ पर, कोडशेप पर अपना अकाउंट बना लीजिए और वन बाई वन करके आप स्टडी कर लीजिए। किसी एक लैंग्वेज को पकड़िए, आप C++ को पकड़ सकते हैं, C को पकड़ सकते हैं, जावा को भी पकड़ सकते हैं। इन लैंग्वेज के पूरे सेंटेक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। सेंटेक्स भी याद अगर करना पड़े तो आप कर लीजिए, और धीरे धीरे आप कोडिंग स्किल अपना इम्प्रूव कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, कोडिंग स्किल डेवलप करना एक दिन का कोई खेल नहीं होता है, ना ही आपका एक मंथ का ये खेल होता है। इसमें आपको कॉन्स्टेंटली आपको वर्क करना पड़ता है, तब जा कर के आपका कोडिंग स्किल अच्छा होता है, ठीक है। मेरा भी खुद का कोडिंग स्किल उतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, लेकिन मैं भी इसमें चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे गाइडेंस मिल रहा है, इसके कारण मेरा जो कोडिंग स्किल है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि IIT और NIT में प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आप ऐसा कल्चर ही आपको मिलता है ना कि आपको कोडिंग स्किल आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, ऐसा कल्चर मिलेगा कि आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा। इतना ना फंक्शन होता है, NIT के स्टूडेंट IIT में जाते हैं, IIT के स्टूडेंट NIT में आते हैं, कोडिंग फेस्ट ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक कोडिंग आपका कोडिंग स्किल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आप लोग फोकस कीजिए आप NIMSET क्रैक करने के लिए। और अगर नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी YouTube पे पड़े हुए हैं, उनको जाकर के सर्च कीजिए, हाउ टू डेवलप योर कोडिंग स्किल्स। 5 से 4 आप वीडियोस देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और अगर नहीं, तो मैं इस पे वीडियो जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं उस पे आपको ये वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो जाइए और कोडिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पे आप लोग फोकस कीजिए। उसके साथ साथ मैं टाइम टू टाइम आपको हिंट गाइड करता रहूँगा, और मैं आपको लिंक भी देता रहूँगा कि किस तरीके से आप किसी अच्छे कंपनी में प्लेस हो सकते हैं, ठीक है जी। और चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बनने के लिए थैंक यू सो मच।